नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं शत्रु संपत्ति के बारे में, जो कि एक्चुअली में भी हाल ही में काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। एक्चुअली में इनकी न्यूज़ में इसलिए है क्योंकि भारत सरकार भारत के अंदर मौजूद जितनी भी शत्रु संपत्तियां हैं इन सभी को बेचने की योजना बना रही है। आज के इस वीडियो में जानेंगे यह शत्रु संपत्ति एक्चुअली में होता क्या है, इससे जुड़ी तमाम जानकारी को भी आज के इस वीडियो में आपके साथ साझा करेंगे। तो बिना ज़्यादा समय लिए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं सुर्खियों में क्यों है। दरअसल अभी हाल ही में जो भारत सरकार है ये भारत में मौजूद जितनी भी एनिमी प्रॉपर्टीज हैं इन सभी को बेचने की योजना बना रही है, और इसी क्रम में भी हाल ही में द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि जो गृह मंत्रालय है इसने एक्चुअली में इन संपत्तियों को खाली कराने और साथ ही साथ उनकी बिक्री की प्रक्रिया की भी शुरुआत कर दी है। अब बात आती है कि एनिमी प्रॉपर्टी यानी कि जो शत्रु संपत्ति होता है एक्चुअली में होता क्या है। तो ध्यान रखना है कि जो पाकिस्तान और चाइना यानी पाकिस्तान और चीन की नागरिकता लेने वाले लोगों के द्वारा छोड़ी गई जो भी संपत्ति होती है उसे शत्रु संपत्ति कहा जाता है। ठीक है, आसान भाषा में कहें तो जैसा इसका नाम वैसे ही इसका काम, शत्रु यानी कि दुश्मन, है ना, यानी कि दुश्मन की संपत्ति। बट यहां पर ध्यान रखना है फर्क इसके अंतर्गत बस इतना है कि वो जो दुश्मन होगा यह वो एक्चुअली में किसी व्यक्ति का नहीं बल्कि एक मुल्क का होगा, एक देश का होगा। ठीक है, जैसे अगर हम बात करें 1947 की, ठीक है, 1947 जब भारत आजाद हुआ था तो भारत के दो टुकड़े हुए थे, एक तो भारत बना और दूसरा पाकिस्तान बना। अब उस दौरान में हुआ क्या था कि कई सारे भारत के लोग, ठीक है, वो क्या हुए थे, पाकिस्तान चले गए थे। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में जो लोग पाकिस्तान चले गए तो उनकी जो संपत्तियां थी जैसे उनका घर हुआ, ठीक है, उनके ज्वेलरीज हुई, ठीक है, या फिर उनका अगर कोई कंपनी है वो हुआ, तो वो सारी चीजें भारत में ही रह गई। अब जब वो व्यक्ति जो पहले भारत में था पार्टीशन के दौरान वो पाकिस्तान चला गया तो उसकी जितनी भी संपत्तियां थी उनकी उसकी जितनी भी जायदाद थी, ठीक है, उन सभी को भारत सरकार शत्रु संपत्ति डिक्लेयर कर देती है यानी कि एनिमी प्रॉपर्टी। ये हुआ था शुरुआत में केवल पाकिस्तान के साथ। 1962 में जब भारत का चाइना के साथ वॉर हुआ था यानी इंडो चाइना वॉर हुआ था तो उस दौरान भी कुछ ऐसे लोग थे जो भारत छोड़कर चाइना चले गए थे। अब उनकी जो भी संपत्तियां थी उसे भारत सरकार के द्वारा शत्रु संपत्ति यानी कि एनिमी प्रॉपर्टी के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया था। अगर इसे हम आसान भाषा में कहें तो इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक ऐसी संपत्ति होती है, ठीक है, जिस पर जिस व्यक्ति का मालिकाना हक था वो किसी दूसरे मुल्क में चला गया, ठीक है, और उसकी जो जायदाद थी वो उसी मुल्क में रह गई। ठीक है, अब इस जायदाद को भारत सरकार बेचने जा रही है, सीधे तौर पर कहें तो ये इसका मतलब निकल कर सामने आता है। इसके अलावा एट प्रेजेंट अगर हम बात करें तो भारत में कुल 12,611 एनिमी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, और जिसकी जो कुल कीमत है यह तकरीबन 1,00,000 करोड़ रुपए आकी गई है। इसके साथ ही ध्यान रखना है भारत में जो एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट है इसके रिगार्डिंग बाकायदा एक प्राधिकरण भी इसके रिगार्डिंग काम करता है जिसका नाम है द कस्टोडियन ऑफ एनिमी प्रॉपर्टी फॉर इंडिया यानी कि CEPI, जिसका काम संपत्तियों को शत्रु संपत्ति के तौर पर चिन्हित करना और उस पर कब्जा करना होता है। इसके साथ ही ध्यान रखना भी हाल ही में जो शत्रु संपत्ति होते हैं यानी कि जो एनिमी प्रॉपर्टीज होते हैं इसके दिशा निर्देश यानी इसके गाइडलाइंस में भी हाल ही में कुछ बदलाव भी किया गया है। जैसे कि इसके अंतर्गत अब क्या किया गया है कि जो एनिमी की प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, जब इस पर कब्जा किया जाएगा तो वैसे कंडीशन में जो उस जिला के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होंगे, ठीक है, या फिर उपायुक्त की मदद से उस शत्रु संपत्ति को खाली कराने की प्रक्रिया शुरू कराई जाएगी। ठीक है ना, इसके साथ ही ध्यान रखना है अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में एट प्रेजेंट CEPI के डेटा के अनुसार कुल 12,611 प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, जिनमें से तकरीबन 12,485 ऐसे प्रॉपर्टीज हैं जो कि पाकिस्तानी नेशनल्स के हैं, मतलब जो पहले भारत में थे पार्टीशन के दौरान वो पाकिस्तान चले गए। ठीक है, तो इसकी संख्या कुल 12,485 है और 126 ऐसी एनिमी प्रॉपर्टी है जो कि चाइनीज नेशनल्स की है। इसके साथ ही ध्यान रखना अगर हम राज्य की बात करें तो उत्तर प्रदेश ऐसा राज्य है जहां पर जो एनिमी प्रॉपर्टीज है यह सर्वाधिक है, इसकी संख्या कुल 6,255 बताई गई है। इसके अलावा और भी कई सारे राज्य हैं जैसे वेस्ट बंगाल, दिल्ली, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, गुजरात, त्रिपुरा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ठीक है, हरियाणा, केरल और भी कई सारे राज्य हैं जहां पर जो एनिमीज की प्रॉपर्टी यानी कि जो एनिमी प्रॉपर्टी है यह काफी मात्रा में है। तो अब भारत सरकार एक्चुअली में इन्हीं सारे एनिमी प्रॉपर्टीज को बेचने जा रही है। तो ये था हमारा आज का वीडियो जिसके अंतर्गत हमने जाना क्या होता है शत्रु संपत्ति यानी कि जो एनिमी
कानूनी प्रॉपर्टी है, क्या है, साथ ही इससे जुड़ी कुछ जानकारी को भी आज के इस वीडियो में हमने आपके साथ साझा किया। आशा और उम्मीद की वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल पर अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज के लिए। तो ऐसे में आज के लिए ही अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। आपसे फिर अगले वीडियो मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।